नगर को एजुकेशन हब भी कहा जाता है। दूर दराज के जिलों से लड़के लड़कियां यहां एजुकेशन संस्थानों में अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़ने आते हैं, लेकिन इन एजुकेशन संस्थानों के इर्द गिर्द खुले अवैध कैफे इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बुधवार को यमुनानगर पुलिस ने एक ऐसे ही कैफे में रेड की। कैफे बाहर से तो लॉक था, लेकिन पुलिस को पक्की सूचना थी कि कैफे के अंदर कुछ लड़के लड़कियां अय्याशी कर रहे हैं। ये कैफे जीएनजी कॉलेज के सामने बना है। पुलिस ने कैफे का लॉक तोड़वाया और जब अंदर देखा तो उन्हें 5 लड़के और लड़कियां आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस के आने से ठीक पहले कैफे संचालक कैफे को लॉक करके मौके से फरार हो गया। पकड़े गए जोड़ों को पुलिस ने 2 अलग अलग गाड़ियों में बिठाकर पुलिस स्टेशन पहुंचाया। अभी देख रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी हमें 5 लड़के और 5 लड़कियां मिली हैं, बाकी वेरीफाई कर रहे हैं कि वो इस कमरे में इस क्यों आए थे। एसएचओ पृथ्वी सिंह ने बताया कि 5 लड़के और लड़कियों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर वो इस कैफे में किस मकसद से आए थे। तो वहीं फरार कैफे के मालिक को भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। न्यूज 18 हरियाणा के लिए यमुनानगर से आशीष भारद्वाज की रिपोर्ट।